रमज़ान के महीने में इशा से लेकर फजर की नमाज तक जिस वक़्त भी नवाफिल या नफल इबादत यानी इशा के बाद जो इबादत नवाफिल की शक्ल में की जाती है वो सब की सब रमज़ान के क़यामुल लैल या तरावी में शुमार होती है और इसका वही अजर है जो हदीस बुखारी की में वादा है, मन क़ामा रमज़ान ईमान व इहतसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़िन्बिही, जो ईमान और सवाब की नीयत से जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया उसके सारे गुना बख्श दिए जाएंगे। तो लिहाजा ये जैसे नमाज मस्जिद में तरावी की पढ़ी जाती है या अलग से अपने घर ईशा की नमाज के बाद पढ़े जाते हैं नवाफिल, वो 8 पढ़े जाएं, 12 पढ़े जाएं, 16, 20 जितने भी पढ़े जाएं, इनको क़यामुल लैल रमज़ान का या तरावी ही शुमार किया जाएगा। चाहे इसमें कुरान ज़्यादा पढ़ा जाए चाहे थोड़ा पढ़ा जाए, कुरान मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़रूर है कि आप रमज़ान में एक कुरान का दौर करते थे, लेकिन इन नवाफिल में अगर फर्दन फर्दन पढ़ते हुए कुरान का दौर करना मुमकिन ना हो तो भी तरावी का अजर और क़यामुल लैल का अजर इंशाल्लाह ज़रूर लिखा जाएगा। लेकिन एक शख्स जो इशा के बाद कुछ नवाफिल अदा करता है और वितर को मौखर करके फिर फजर से पहले फिर कुछ नवाफिल अदा कर लेता है, ये सारे के सारे नवाफिल जो हैं वो क़यामुल लैल के ज़ुमरे में शामिल होंगे। इशा के बाद अगर कोई चाहे तो अपने नवाफिल अदा करके वितर अदा करके सो जाए और फिर सहरी से पहले कुछ ना अदा करे तो भी दुरुस्त है, क़यामुल लैल अदा हो गया। लेकिन अगर कोई शख्स इशा के बाद कोई भी नवाफिल अदा ना करे और फजर से पहले जो नॉर्मल साल में बाकी महीनों में तहज्जुद का वक्त है उसमें नवाफिल अदा करके और अपना वितर अदा करने के बाद तरावी सहरी करने के बाद अपनी फजर की नमाज अदा करे तो भी क़यामुल लैल अदा हो गया और इंशाल्लाह अजर साबित हो गया। लेकिन इसके दोनों रूटीन्स के बरखिलाफ़ अगर एक शख्स इशा की नमाज के बाद कुछ नवाफिल अदा कर लें और जितनी उस वक़्त ताकत और सलाहियत है उस वक़्त अदा कर लें और वितर को पोस्टपोन कर दें और फिर फजर से पहले सहरी से पहले कुछ नवाफिल अदा करने के बाद वितर अदा करके सहरी कर लें और यानी अपने नवाफिल जो है इसको इशा के बाद और फजर से पहले सहरी से पहले दो शक्ल्स में स्प्लिट किया जाए तो ये भी दोनों क़यामुल लैल में शुमार होंगे और इंशाल्लाह अजर साबित होगा। और ये शख्स जो है ये सहरी के वक्त की बरकतें और उस कबूलियत दुआ के वक्त की सब बरकतों और सआदतों को भी समेटने में कामयाब होगा। मेरे नज़दीक ये एक अफजल तरीन तरीका होगा और सहरी की इबादत से वो शख्स जो है फैज़याब होगा। तो लिहाजा अगर आपकी पहली मामूल ये थी तो उसको जारी रखिए, वो एक बेहतरीन और अफजल तरीन हालत और अमल ज़रूर है।